डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए जो पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का स्टडी करेंगे। देखिए मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देखिए ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में डिटेल आइडिया दिया था, तो देखिए इस पार्ट में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले देखिए एक्चुअल में आप लोग जानते भी हैं कि मेटल जो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज कर दें। मेटल क्या होते हैं? मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करें, लूज। तो देखिए वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है, देखिए इजीली जो है लूज ना करें, देखिए इजीली लूज ना करें मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करें। देखिए इजीली जो है लूज मतलब ना करें, समझिए इजीली गेन करें अपोजिट है। इजीली जो है क्या कर ले, गेन करें। गेन इसका मतलब इसी को कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो दोनों बात समझिए, अगर सपोज करिए इजीली रिमूव नहीं करते हैं या लूज नहीं करते इजीली, तो उन्हें कहेंगे नॉन मेटल। उन्हें क्या कहेंगे, नॉन मेटल। और या तो दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हैं कि इजली जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, तो उसे कहेंगे नॉन मेटल। तो कुल मिला जुला करके जो है ये मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, आप क्लियर इसको जानना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों को ये जानना है कि भाई ये जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो पीरियड में किस तरह से जो है एक इंटरवल के बाद क्या इसमें चेंजेज आते हैं भाई। देखिए तो इन पीरियड देखिए पीरियड में इसका जो है, पीरियड में हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करते रहता हूं लेफ्ट टू राइट, आपका किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो देखिए एक्चुअल में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, देखिए इंक्रीज करता है। एक ही पीरियड में मैं बात किया हूं, देखिए जो पीरियड है इधर स्टार्टिंग लेफ्ट साइड में मेटल है, बीच में मेटलॉइड है और उसके बाद नॉन मेटल, किसी किसी में मेटलॉइड है किसी में नहीं भी है। तो मेरे कहने का मतलब पहले मेटल और उसके बाद नॉन मेटल। देखिए हम एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड पीरियड का, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। देखिए ध्यान दीजिए सिलिकॉन, इसके बाद फास्फोरस, इसके बाद आपका फास्फोरस के बाद जो है सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन। तो ये जो है देखिए एक्चुअल में क्या है, ये मेटल है, ये भी मेटल है और ये क्या है, ये भी मेटल है। बट देखिए एक्चुअल में सोडियम पर प्लस चार्ज होता है
और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और ये एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं? 3 चार्ज। कहने का मतलब ये अधिक, इसके पास मेटल की प्रॉपर्टी अधिक, इससे कम इसके पास, इससे कम इसके पास, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। और यहां पर देखिए, एक्चुअल में यहां पर सिलिकॉन पर जो है -4 और फास्फोरस पर -3, सल्फर पर -2, सीएल पर -1। तो देखिए एक बात, देखिए यहां पर क्या है, जैसे यहां भी देखिए, ये जो है मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये नॉन मेटल है, बट इससे मतलब इसका जो है नॉन मेटल का पावर अधिक, ये और अधिक, ये स्ट्रांग नॉन मेटल, समझिए। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअल में क्यों नॉन मेटल है? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं? गेन किए हैं। तो गेन जिनकी प्रॉपर्टी होती है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, वो नॉन मेटल होते हैं, वो नॉन मेटल होते हैं। तो ये है कहानी, देखिए, पीरियड की। तो अभी हमने बताया कि इन पीरियड लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो मैंने आपको दिखा भी दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई देखिए, हम आपको एक एग्जांपल तो देना ही पड़ेगा कि सोडियम, हमने आपसे ये कहा कि सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर मोर है, इसका मेटालिक कैरेक्टर लेस है, इसका और लेस है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, एक्चुअल में आप कंपैरिजन सोडियम और मैग्नीशियम का करके देख लीजिए, सोडियम और मैग्नीशियम का। देखिए सोडियम, देखिए इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एमजी का देखिए, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जेड इफेक्ट क्या होता है? जेड इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो जब जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो रेडियस क्या होगा? देखिए रेडियस, अरे भाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स अधिक है, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक है, और एटॉमिक रेडियस इसी के वजह से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हुआ क्या, मतलब अट्रैक्शन फोर्स अधिक है, इसलिए जो है आईपी जो है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्रिटिकल होगा। देखिए ये मेरे कहने का मतलब, आईपी क्या होगा, आईपी के बारे में सोचिए, आईपी मोर होगा। क्यों आईपी मोर होगा? क्योंकि इसका रेडियस जो है कंपैरेटिवली इससे छोटा है। हम सोडियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन कर रहे हैं तो आईपी मोर होगा। इसका आईपी देखिए, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में इससे इसका आईपी कम होगा, इसलिए हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। मैग्नीशियम का जो जितना जेड इफेक्ट होगा उससे जो है कम इसका होगा। तो आप सुने भी हैं कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब इसका जेड इफेक्ट इससे कम होगा, इसका मतलब इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस, ये मतलब सोडियम का, इसका तो रेडियस, तो सोडियम का रेडियस मैग्नीशियम के रेडियस से बड़ा होगा, भाई बड़ा होगा, इसका उससे छोटा होगा। तो आईपी मोर होगा,
और इसका आईपी ध्यान दीजिएगा, इसका आईपी लेस होगा। तो देखिए अब सोचिए, जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यहां आईपी मोर है, आईपी मोर है। तो क्या आप इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन भाई रिमूव कर सकते हैं? आप इजीली रिमूव कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या है? नहीं, आप इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव, देखिए इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते, मान ली नो लिख दीजिए, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते तो इसका मतलब लूजिंग प्रॉपर्टी इसकी कम हो गई। तो जब लूजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाए, देखिए लूजिंग प्रॉपर्टी मेटल कहलाता है, लूजिंग प्रॉपर्टी अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो जाना चाहिए अब आपका, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैग्नीशियम पर टू पॉजिटिव चार्ज होता है बट इसका मेटालिक कैरेक्टर सोडियम से कम होता है, एल्युमिनियम का इससे भी कम होगा। तो यहां पर मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है आपका भाई? अरे भाई लेस हो रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। बस क्लियर समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन ग्रुप्स ग्रुप में क्या होता है, इसका जो भाई ग्रुप में क्या जो है एक्शन होता है। तो इन पीरियड के अलावा जो है हम लोग क्या लिखेंगे, इन ग्रुप्स। तो देखिए ग्रुप में अप टू डाउन हम लोग अप टू डाउन स्टडी करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देखिए एक्चुअल में फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल अगर लेंगे तो आपको ये मालूम है कि फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं सब मेटल हैं, बट क्या उनमें मेटालिक कैरेक्टर क्या, समझिए मेटालिक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ वो होगा ना, रेंज होगा ना, या तो डिक्रीज कर रहा होगा या तो इंक्रीज, सेम मेटालिक कैरेक्टर नहीं होता है। तो अभी अभी हमने बताया कि पीरियड में मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहां पर सीधा बात अपोजिट है, तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझिए इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर जब ग्रुप में क्या होगा, देखिए इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जस्ट अपोजिट बात है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। हम सारे ग्रुप की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप की बात मत सोचिएगा। देखिए अब इसका हम आपको एग्जाम्पल दे दें, तो एग्जाम्पल में जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जो फर्स्ट ग्रुप में यहां पर देखिए हाइड्रोजन को तो छोड़ दीजिए, लिथियम, फिर क्या होता है सोडियम, फिर क्या होता है पोटेशियम, फिर क्या होता है रुबिडियम और सीजियम, और यहां पर जो होता है फ्रांसियम। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए एक्चुअल में हम लोग क्या करें, सोडियम और पोटेशियम इन दोनों का एग्जाम्पल ले लिया जाए, सोडियम और पोटेशियम का। जरा देखिए अब मैं सोडियम पोटेशियम के केस में पहले हम आपको बता रहे हैं, पोटेशियम इसमें देखिए इसमें 4 सेल होगा। अरे भाई इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 4 होगा, और इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 3 सेल होगा। इसमें कितने सेल होंगे, 3 सेल।
अब बताइए एटॉमिक रेडियस इसका क्या होगा? मोर होगा एटॉमिक रेडियस, अरे भाई इसका एटॉमिक रेडियस मोर होगा, क्यों? क्योंकि फोर सेल है और इसका एटॉमिक रेडियस इसके कंपैरिजन में लेस होगा, तो इसका एटॉमिक रेडियस कंपैरेटिवली जो है लेस होगा। चलिए ठीक है, हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करेंगे। यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो शील्डिंग जो है, देखिए शील्डिंग जो, शील्डिंग इफेक्ट जो है आपका क्या होगा, यहां पर मोर होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट जो है, देखिए अगर शील्डिंग इफेक्ट मोर होगा तो सोचिए, देखिए शील्डिंग मोर तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई देखिए ग्रुप है ना, तो ग्रुप में जेड इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो छोड़ दीजिए उस बात को, क्योंकि हम बता चुके हैं, हम इसको बता चुके हैं कि ग्रुप में इसको कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां शील्डिंग इफेक्ट अगर अधिक है तो आईपी क्या होगा? आईपी सोचिए, आईपी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शील्डिंग अधिक है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है। हाँ, देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसका आईपी क्या होगा, ये अरे भाई लेस होगा, आईपी लेस होगा। तो जब आईपी लेस होगा तो इसका मतलब यह है कि आईपी लेस का मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली, आप क्या, एटॉमिक रेडियस भी तो मोर है, तो आप इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से इजीली जो है इजीली रिमूव हो जाएगा। देखिए इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली भाई रिमूव हो जाएगा, समझिए तो लूजिंग प्रॉपर्टी अधिक है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव का मतलब क्या हुआ, लूजिंग प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो इसका मतलब मेटैलिक प्रॉपर्टी अधिक हो गई। तो यहां पर देखिए इजीली रिमूव का मतलब हो गया लूजिंग प्रॉपर्टी मोर हो गई, यहां लिख दे रहे हैं हम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया, ये मोर हो गया, क्या हो गया, मोर हो गया, मतलब अधिक अधिक लूज करने की प्रॉपर्टी आ गई। तो इसका मतलब यह है मेटैलिक कैरेक्टर, हम यहां पर लिख ले रहे हैं मेटैलिक कैरेक्टर, देखिए मेटैलिक कैरेक्टर ये क्या होगा, मेटैलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अब इस केस में देखिए, तो इस केस में मेटैलिक कैरेक्टर मतलब इसके कंपैरिजन में मेटैलिक कैरेक्टर इसका कम होगा, क्यों, एटॉमिक रेडियस इससे लेस है, इसके कम, इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो शील्डिंग भी इससे, देखिए इसको बस इतने से हम दिखा दे रहे हैं, शील्डिंग जो है शील्डिंग भी इसके कंपैरिजन में लेस होगा। बोलिए आईपी जो है, आईपी इसके कंपैरिजन में अधिक होगा, कंपैरिजन में, तो जब आईपी अधिक होगा तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, बात समझिए, लूजिंग शील्डिंग लेस है तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितना इसमें इजीली हो रहा है इस केस में नहीं होगा, सोडियम के केस में, तो जब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में मतलब उतना मतलब इंटेंसिटी की बात हो रही है तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें मेटैलिक कैरेक्टर लेस होगा। तो इसका मेटैलिक कैरेक्टर लेस और इसका मेटैलिक कैरेक्टर मोर, उससे नीचे देखिए रुबिडियम है उसका और अधिक होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर देखिए वहां भी वहां एटॉमिक रेडियस और बढ़ जा रहा है, तो शील्डिंग और बढ़ जाएगा, आईपी और घट जाएगा तो इसलिए इजीली लूजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब मेटैलिक कैरेक्टर
क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब जब आप अप टू डाउन जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो क्लियर समझ लीजिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। देखिए एक्चुअल में ये था आपका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो देखिए वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपको डेंसिटी के बारे में स्टडी कराएंगे। डेंसिटी कि भाई पीरियड और जो है ग्रुप्स में डेंसिटी का क्या रोल है, कैसे जो है इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, मतलब डेंसिटी के बारे में भी आपको स्टडी करना है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम आपको फिर जो है डिटेल स्टडी कराने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।